पहले तो ये देखिए, अब जैसा हमारे इंडिया में देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग नाम पे कोई कास्ट के नाम पे मार रहा है, कोई गौ हत्या के नाम पे मार रहा है, कोई मुसलमान के नाम चाह रहा है। आप जैसा कि रिसेंट राइट्स भी देखते हैं कि एक कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस हो रहा है, और दलितों पे हो या माइनॉरिटीज़ पे हो, तो उसके लिए कि हम लोग वायरल हो रहे हैं, तो कोई भी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मजलूमों को मार रहे हैं, न्यूज़ों में आ रहा है, लेकिन इसी को लेकर हम लोगों ने मैंने सोचा कि ये वीडियो देख के इतने बहुत तकलीफ जो मैंने सुना कि जब न्यूज़ में पढ़ा कि 18 घंटे तबरेज़ अंसारी को मारा गया उसके, और उसको फोर्सफुली जय श्री राम जय हनुमान उसको मतलब बोलने पर मजबूर किया गया, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करता था। ठीक है, मॉब लिंचिंग तो पूरे हम लोग देख रहे हैं कि सुबह शाम की यहाँ पर मार दिए, वहाँ पर मार दिए, गौ हत्या पे मार दिए, कोई कास्ट पे मार दिए, मध्य प्रदेश में बच्चों को, एक छोटे बच्चे मासूम बच्चों को दलित हैं बोल के मार दिए। तो ऐसा वाक्य हर दिन आ रहा है। मुझे ऐसा डर लगा कि मुझे ऐसा ये हुआ कि आज ये लोग मरे हैं, आज तबरेज़ अंसारी है, आज रोशनी और आकाश हैं, शायद मैं कल हो सकता हूँ। तो मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में जो आकाश और रोशनी है 10 साल और 12 साल का बच्ची बच्चा जो थे, तो उनको कोई थोड़ा टॉयलेट के लिए गए, तो डिफिकेशन के लिए गए, तो वहाँ पर कुछ अपर कास्ट लोगों ने एक दलित होने के नाम पे उनको मार दिया बच्चों को। तो उसके लिए भी मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पिटीशन फाइल की थी कि जो भी अक्यूज हैं उनको अरेस्ट करें, फिर नेसेसरी कंपनसेशन विक्टिम फैमिली को रिलीज़ करें। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वो केस में भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इनको नेसेसरी जो एक्शन लेके कंपनसेशन रिलीज़ करें। तो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्ट्री से मुझे रिप्लाई आया कि दोनों फैमिलीज़ को जो है 4,12,500 रुपया एक एक फैमिली को दिया गया है, टोटल 8,25,000 रुपया दोनों बच्चों को ही फैमिली को इशू हुआ है। आपका किसी इनके फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। मैं एक इंसानियत के नाते जो एक हमारा फ़र्ज़ होता है, अगर हम लोग जैसा जुल्म करने वाले थोड़े लोग हैं, अगर अच्छे लोग, अगर 10 जुल्म करने वाले 10 लोग हैं तो अच्छे लोग 90 लोग हैं। हम 90 लोगों की खामोशी से ये जुल्म करने वालों का हौसला बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर एक इंसानियत के नाते मैंने इनके लिए मैंने कंप्लेंट फाइल की और कमीशन से जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि इनको नेसेसरी कंपनसेशन रिलीज करें। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर डेक्कन डिविजन एंड टीटीवी उर्दू न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं, गुलबर्गा में 2 दिन से एक न्यूज़ चल रही है, तबरेज़ अंसारी साहब का जो वाक़या झारखंड में 1 साल पहले हुआ था, जो वाक़या मॉब लिंचिंग का हुआ था, आज हमारे गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट जो कि एक इंजीनियर हैं, एमटेक स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपनी जद्दोजहद से 1 साल से इस केस को फॉलोअप कर आज एक कामयाबी हासिल की है। 2 लाख रुपये कंपनसेशन दिलाया है और पुलिस वेरिफिकेशन को भी जल्द से जल्द कम्प्लीट कर मुजरिमों को सज़ा दिलाने की डिमांड की है। तो आज हम उनसे बात करते हैं, तबरेज़ अंसारी के जो वाक़े पे काम कर रहे हैं। रियाज खतीब साहब, मैं हमारे चैनल द गुलबर्गा मिरर डेक्कन डिविजन टीटीवी उर्दू पर आपका वेलकम करता हूँ। तबरेज़ अंसारी का जो मॉब लिंचिंग का वाक़ा, ये तो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोगों के जहन में है और 1 साल से शायद लोगों ने इसे भुला दिया था, मगर इतने साल से आपने इस पर जद्दोजहद की, क्या वजह है? अस्सलामुअलैकुम। पहले तो ये देखिए, अब जैसा हमारे इंडिया में देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग नाम पे कोई कास्ट के नाम पे मार रहा है, कोई गौ हत्या के नाम पे मार रहा है, कोई मुसलमान के नाम चाह रहा है। आप जैसा कि रिसेंट राइट्स भी देखते हैं कि एक कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस हो रहा है, और दलितों पे हो या माइनॉरिटीज़ पे हो, तो उसके लिए कि हम लोग वायरल हो रहे हैं, तो कोई भी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मजलूमों को मार रहे हैं, न्यूज़ों में आ रहा है, वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, लेकिन इनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ना ही कंपनसेशन। तो एक जो कोर्ट का प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, जिसमें आदमी जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ को चाहे 5 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन इसी को लेके हम लोगों ने मैंने सोचा कि ये वीडियो देख के इतने बहुत तकलीफ जो मैंने सुना कि जब न्यूज़ में पढ़ा कि 18 घंटे तबरेज़ अंसारी को मारा गया उसके, और उसको फोर्सफुली जय श्री राम जय हनुमान उसको मतलब बोलने पर मजबूर किया गया, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करता था। तो मैंने वो देख के मैंने क्या किया, तो मुझे लगा कि अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो जैसा कि मॉब लिंचिंग वायलेंस जो है बढ़ता जा रहा है, एक चाहे दलित हो चाहे माइनॉरिटीज़ हो, तो मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक पिटीशन फाइल की कि जिसमें कि मैंने 4 डिमांड की थी कि पहले तो जो मॉब लिंचिंग किए हैं जितने भी अक्यूज हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, और जो तबरेज़ अंसारी को वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 दिन वहाँ पर ट्रीटमेंट देने में लगे थे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पर बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी हुई थी। और तो उसी को लेके फिर मैंने क्या किया था कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी डिपार्टमेंट इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद फिर FIR भी होना चाहिए, और जो अगर जो ऑफिसर्स अगर गिल्टी फाउंड होते हैं तो उनको डिसमिस करना चाहिए। फिर साथ ही साथ मेरा तीसरा डिमांड ये थी कि जो मॉब लिंचिंग केस में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जो तहसीन पूनावाला वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, कि मॉब लिंचिंग को लेके स्पेशल टास्क फोर्स बनना चाहिए,
पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या स्टेट वाइज हो, और सभी के कंट्रोल रूम्स जो है कंट्रोल रूम्स नंबर सबको पब्लिश करना चाहिए, पूरा वेबसाइट पे हो या लार्ज मतलब सभी का चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो वायरल होना चाहिए। फिर मेरी फोर्थ ये डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के बाद फोर्थ डिमांड ये थी कि विक्टिम फैमिली को 1 करोड़ रुपये कंपनसेशन दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे 2 दिन पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से अपडेट आया कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेरेकला SP जो हैं उन्होंने अपनी जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें जो विक्टिम की फैमिली को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया गया। फिर 13 अक्यूज़ के ऊपर चार्जशीट फाइल की गई है, और फिर तबरेज़ अंसारी के ऊपर भी कुछ केस किया है, क्रिमिनल केस उन्होंने वो भी बताया है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने कोई डिपार्टमेंट जो भी नेग्लिजेंसी दिखाई है पुलिस ऑफिसर्स उनके ऊपर कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट नहीं की। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने झारखंड जो SP सेरेकला थे उनको डायरेक्शन दिया है कि विद इन 6 वीक्स वो पुलिसों पर जो भी जो गिल्टी फाउंड हैं पुलिस ऑफिसर्स जो नेग्लिजेंसी दिखाए हैं उनके ऊपर विद इन 6 वीक्स में एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उनके ऊपर जो है रिपोर्ट सबमिट करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। गुलबर्गा के लोगों में एक सवाल ये भी है कि एक गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट ने झारखंड में हुए वाक़े पर आखिर तवज्जो क्यों दी, क्या वजह है? देखिए मोब लिंचिंग तो पूरे हम लोग देख रहे हैं कि सुबह शाम की यहाँ पर मार दिए, वहाँ पर मार दिए, गौ हत्या पे मार दिए, कोई कास्ट पे मार दिए, मध्य प्रदेश में बच्चों को एक छोटे बच्चे मासूम बच्चों को दलित हैं बोल के मार दिए। तो ऐसा वाक़ हर दिन आ रहा है। मुझे ऐसा डर लगा कि मुझे ऐसा ये हुआ कि आज ये लोग मरे हैं, आज तबरेज़ अंसारी है, आज रोशनी और आकाश हैं, शायद मैं कल हो सकता हूँ। तो इसी को लेके मैंने सोचा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि अब कोर्ट का प्रोसेस तो चलेगा, इतना मतलब लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा लंबा वक्त लेता है कोर्ट का, एक अपना मतलब सब विटनेस वो ये सब लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो अगर विक्टिम को हम लोग जैसे कि जस्टिस के लिए हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स को भी हम लोग जैसा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पर हम एटलीस्ट अप्रोच करेंगे, जैसे कि एटलीस्ट फैमिलीज़ को जो अर्निंग जितने भी लोग मरे हैं ज़्यादातर जो अर्निंग मेम्बर्स फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली थे तो मरे हैं, तो इस तरीके से अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स को पहुँचेंगे तो भी हम लोग को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक मेरी सोच थी। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, किस बेस पर आप लोग ये सब काम कर रहे हैं? अभी हम लोग नो योर राइट्स जो एसोसिएशन एक NGO है उसके बैनर पे वर्क कर रहे हैं, और इंडिविजुअली भी हम लोग एक्टिविटीज़ में हम कॉलेज अपने जो कॉलेज वक्त से हम लोग ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। गुलबर्गा में किन किन इश्यूज़ पर आपकी टीम ने काम किया है? हम लोगों ने गुलबर्गा में जो है पहले तो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स के मुद्दों पे भी बहुत काम किया, जो KCET का एक मुद्दा था, KCET इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहाँ की 3 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर हमने RTIs फाइल किया था, हम लोग RTIs भी फाइल करते हैं। तो उसके बाद वहाँ के बच्चों को कुछ प्रोसेस करने के बाद वहाँ के बच्चों की भी स्कॉलरशिप सेंक्शन हुई जो 3 साल से पेंडिंग थी। फिर इसके बाद हमने राइट टू एजुकेशन के ऊपर काम किया, तो ज़्यादा यहाँ पर अवेयरनेस नहीं थी, हम लोगों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI के साथ मिलकर उनके साथ भी राइट टू एजुकेशन के ऊपर एक फुल फ्लैज में वर्क किया। और उसके बाद हमने स्कॉलरशिप जो फर्स्ट टाइम 2013 में बैंक अकाउंट जीरो मतलब मैंडेटरी कर दिए थे कि बच्चों को बैंक अकाउंट्स होना है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए जो है ना जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट्स ओपन किए। फिर इसके अलावा भी जो और एक केस था मशहूर जो आप लोगों ने दलित लड़कों पर अत्याचार हुआ उस पर भी आप लोगों ने काम किया, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। जी मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर सितंबर में जो आकाश और रोशनी है 10 साल और 12 साल का बच्ची बच्चा जो थे, तो उनको कोई थोड़ा टॉयलेट के लिए गए तो डिफेकेशन के लिए गए, तो वहाँ पर कुछ अपर कास्ट लोगों ने एक दलित होने के नाम पर उनको मार दिया बच्चों को। तो उसके लिए भी मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पिटीशन फाइल की थी कि जो भी अक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट करें, फिर नेसेसरी कंपनसेशन विक्टिम फैमिली को रिलीज़ करें। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वो केस में भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इनको नेसेसरी जो एक्शन लेके कंपनसेशन रिलीज़ करें। तो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्ट्री से मुझे रिप्लाई आया कि दोनों फैमिलीज़ को जो है 4,12,500 रुपया एक एक फैमिली को दिया गया है, टोटल 8,25,000 रुपया दोनों बच्चों की फैमिली को इश्यू हुआ है। आपका कुछ कांटेक्ट हुआ इन सब की विक्टिम्स की फैमिली से, जैसे कि तबरेज़ अंसारी हैं और ये जो दलित लड़कों का आपने केस बताया, कुछ इनके फैमिली से आपकी बात हुई क्या, किस तरह से आपने इसको फॉलो किया?
नहीं, मेरी तो किसी इनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुई। मैं एक इंसानियत के नाते, जो एक हमारा फ़र्ज़ होता है, अगर हम लोग जैसा जुल्म करने वाले थोड़े लोग हैं, अगर अच्छे लोग, अगर 10 जुल्म करने वाले 10 लोग हैं तो अच्छे लोग 90 लोग हैं। हम 90 लोगों की खामोशी से ये जुल्म करने वालों का हौसला बढ़ रहा है, तो उसी को लेकर एक इंसानियत के नाते मैंने इनके लिए मैंने कंप्लेंट फाइल की और कमीशन से जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि इनको नेसेसरी कंपनसेशन रिलीज़ करें। गुलबर्गा में आप देख रहे हैं आए दिन डेथ के वाक़े बढ़ते जा रहे हैं जो कि नॉन कोविड हैं। कोविड से तो मरने की तादाद कम है, नॉन कोविड से ज़्यादा हो रही है, जिसमें कई सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, पब्लिक के रिव्यूज़ ये आ रहे हैं कि हॉस्पिटल नेगलेक्ट कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, क्योंकि सीएम येडियुरप्पा ये कहते हैं कि जनरल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड को ट्रीट करना शुरू कर दिया जाए। मगर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें अभी कोई परमिशन नहीं मिली है, इसका सेटअप हमें करने का कोई अथॉरिटी नहीं मिली है कुछ। उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैंने है ना कल ही मैंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी एक पिटीशन फाइल की है कि पहले तो जो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो व्हाइट फील्ड बेंगलुरु का था, जो एक कोविड पेशेंट को 10 दिन रख के जो आईसीयू वेंटिलेटर पे रखे 9 लाख बिल बनाया उन्होंने, तो इसको लेके मैंने कंप्लेंट फाइल किया कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे बेंगलुरु के हैं, कुछ हॉस्पिटल्स एडमिट कर रहे हैं लेकिन जो है ओवर चार्ज कर रहे हैं पेशेंट को, जो कि गवर्नमेंट का 23 जून 2020 को जो है सर्कुलर आया है कि उसमें फिक्स किए हैं चार्जेस कर्नाटक का गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ जाके ये लोग जो है लाखों में चार्जेस कर रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ पेशेंट, हम जैसे कि रिपोर्ट्स आई है कि एक कोविड पेशेंट था जो 18 हॉस्पिटल जाने के बाद भी 18 हॉस्पिटल में किसी ने एडमिट नहीं किया, तो वो एक इंसिडेंट है, वो भी इसका मैंने जिक्र किया है मेरी कंप्लेंट में। और साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर गुलबर्गे में, तो देख रहे हैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अभी जो है पेशेंट, कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहा है, और सिर्फ अभी बसवेश्वर हॉस्पिटल सामने आया है, एक हॉस्पिटल हम लोग को सुनाई दे रहा है। तो इसी को भी लेके हमने एक पिटीशन फाइल किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि जैसे कि अब गरीब कोविड पेशेंट हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओवरलोडेड हो गए हैं, ओवर क्राउडेड हो जाएंगे कि कोई बेड अवेलेबल नहीं। जैसे कि मैं दो दिन से कल से भी एक केस फॉलो कर रहा हूँ, आज दो पेशेंट थे, हम लोग डीसी से, आरसी सर से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री और बहुत से ऑफिशियल से हम बात कर रहे हैं कि ये पेशेंट्स के जो है रिजेक्ट कर रहे हैं एडमिशंस, तो एडमिट नहीं कर रहे। तो हम लोग ये अप्रोच करने के बाद, और हम जो ट्विटर पे भी हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, जनस्पंदन जो है वहाँ पर, जनस नहीं एक पोर्टल है, जो मिनिस्टर्स को भी हम टैग करके कंसर्न मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके बाद कंप्लेंट जब अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं सीनियर ऑफिशियल को, तब एडमिशन मिल रहा है। उससे पहले कोई एक नॉर्मल इंसान जा रहा है तो एडमिशन नहीं दे रहे, बेड फुल है बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, आप जैसा कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आया है 15 जुलाई 2020 को कि 50% रिजर्व जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के लिए करें, यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यहां पर फेलर है। ये फोर्सफुली, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या एपिडेमिक एक्ट है या जो भी रिलेवेंट आईपीसी सेक्शन से, इनके इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है सेक्शन 24, उसके तहत ये लोग अपना पावर यूटिलाइज करके अपने जो कोविड पेशेंट के लिए 50% बेड रिजर्व करें, और यहाँ पर जो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं जो हॉस्पिटल हैं, जो अनअवेलेबिलिटी का जो रीज़न दे रहे हैं, जिम्स हो या ESI हॉस्पिटल हो और या बसवेश्वर हॉस्पिटल हो, ये रिड्यूस हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग पैरेलली ये भी डिमांड कर रहे हैं, कल मेमोरेंडम भी देने वाले हम इसी चीज़ को लेकर पूरे गुलबर्गे के NGOs मिलके, कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर्स भी इंक्रीज़ किया जाए। जैसे कि अब बहुत सारा अब हम लोग सुनाई दे रहा है कि जिम्स हॉस्पिटल हो या ESI हॉस्पिटल में हो कि स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ की कमी से भी ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और मैक्सिमम डेथ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। पिछले अब 15 दिन में देखिए तकरीबन 30 से ज़्यादा डेथ हुए हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं और प्रॉपर सर्विलेंस होना चाहिए। हम लोग को देखना चाहिए क्या ये कोविड पेशेंट को या जिम्स हॉस्पिटल हो या ESI हो, वहाँ पर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या। जैसे कि हम लोग के पास एक पेशेंट की एक ऑडियो क्लिप है जो अभी दुनिया में नहीं है, ये इनका एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उनकी, तो वो बता रहे थे पेशेंट की, उनको ना पानी दिया जा रहा है, डायबिटिक पेशेंट थे, पानी दिया नहीं दिया जा रहा है, खाना भी रख के चले गए हैं और टॉयलेट जाने के लिए भी उनको तकलीफ है, कोई उनको आके हेल्प नहीं कर रहा है, और उनके सामने ही वहाँ पर हमने दूसरे पेशेंट से कहा कि बॉडी भी वहीं पे रैप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेना चाहिए और प्रॉपर जो ICU वार्ड है स्पेशली या जिम्स हॉस्पिटल हो, ESI हॉस्पिटल हो, प्रॉपर सर्विलेंस होना चाहिए। और जो भी ऐसे पेशेंट्स के जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि एक ग्रेवेंस हेल्पलाइन नंबर बनाई जाए, जो पेशेंट हो या उसके रिलेटिव हो, एक कंप्लेंट नंबर 24/7 एक कंप्लेंट नंबर बनाया जाए जिससे हम लोग कंप्लेंट कर सकें। अब देख रहे हैं हम कि हम कोविड हॉस्पिटल्स में जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोई पेशेंट को अपडेट नहीं मिल रही है, इवन ना कोई पेशेंट की सूरत देख सकता है ना उसको कोई मिल सकता है।
तो इस तरीके से बहुत पेशेंट जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं और डर रहे हैं, और हो सकता है इनका डर का रीज़न से भी ये जो डेथ बढ़ रहे हैं, इनका एक डर भी एक रीज़न हो सकता है। रियाज साहब, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इतने हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, यंग हैं, आप चाहते तो गल्फ जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, आप इतना लोगों के लिए जोखिम उठा रहे हैं, कभी आपको, कभी आपके घर वालों की तरफ से स्ट्रेस, और आपके इस जद्दोजहद में किन किन लोगों का सपोर्ट है? पहले तो सपोर्ट की बात कहेंगे तो मेरी फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली मेरी फिर वाइफ का सपोर्ट, जो मुझे अभी इतना बर्दाश्त करते हैं, जो मैं उनको टाइम नहीं दे पाता कुछ मसलों में, तो इनका बहुत बड़ा मेरा एक बैकअप है। इसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं पटेल अजरुद्दीन, जो हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, उनके नाम नहीं बता सकता मैं, सभी बहुत एक ग्रुप है कि हम लोग को एक मिल के काम करते हैं, तो एक ग्रुप वर्क, एक टीम वर्क में ये जो है हम जो भी काम कर रहे हैं आउटपुट अल्हम्दुलिल्लाह एक आउटपुट आ रहा है, और अच्छी नीयत से कर रहे हैं, ऊपर वाला जो भी है इसका आउटपुट दे रहा है हम लोग को। आप ये करने के अलावा जॉब वगैरह भी कर सकते थे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, आखिर ये करने की रीज़न क्या है? देखिए, अभी मैं रिसेंटली जो माइंट्री में वर्क करता था मैं हैदराबाद में, तो अभी मैं कुछ दिन, मतलब महीनों पहले मैंने रिज़ाइन किया है वहाँ से, उस मैं गल्फ के लिए भी ट्राई कर रहा था, अभी जो है बीच में जो CA का मुद्दा आया या अभी लॉकडाउन का मुद्दा आया तो मैं रिजॉइन नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह मैं फिर से रिजॉइन करने वाला हूँ। तो हमारे व्यूअर्स को और अदर सोशल एक्टिविस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भूल जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कंप्लेंट करना हो या मेमोरेंडम करना हो वो आसान काम है, उसको फॉलोअप करना वो इम्पोर्टेंट वर्क है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम सीरियसली फॉलोअप करें, या जैसे कि हम कोई कॉलेज में, हम लोग कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हम कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं तो पास होकर बाहर आते हैं, तो कोई भी हमारा एक एम होता है तो उसको सीरियसली अगर हम फॉलो करेंगे तो अचीव करेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई भी हो जो है, प्रॉपर आप फॉलोअप करें तो इंशाल्लाह आउटपुट आएगा। थैंक यू। डॉक्टर कफील खान सफूरा दरगार, इनके इशू में आपने कुछ रोशनी डाली है कि इनके साथ क्या हुआ है, इनके बारे में भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही जो है सफूरा दरगार हो या पूरे अक्रॉस इंडिया में जो एक्टिविस्ट NTCA प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया था, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन को मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट किया था। तो हम लोगों ने एक ड्राइव भी स्टार्ट की थी सोशल मीडिया पे कि इनके रिलीज के लिए ये आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपने चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सेंट्रल जो गवर्नमेंट है प्रेशराइज होकर, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिलीज़ कर दिए UAPA से, आसानी से बेल नहीं मिलती आजकल, जो अभी हम देख रहे हैं कि UAPA जो ऐसा एक्ट बना है, जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली, तो पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशंस को आप UAPA जो है इन्वॉक कर सकते थे, अभी जो आप देख रहे हैं जो अमेंडमेंट होने के बाद एक इंडिविजुअल को भी आप UAPA आप रिवॉक कर रहे हैं, जो भी एक पॉलिटिकल जो अब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अगर डिसेंट है हमारी उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट उसको बुक कर रही है। तो ये बहुत सीरियस मैटर और बहुत तकलीफ वाली बात है कि हम लोग एक अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में जो राइट टू एक्सप्रेशन है, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हक दिया गया है आप जो है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं लीगली जो डेमोक्रेटिक वे में, तो उसको लेकर भी हम लोग के ऊपर ऐसे ड्रैकोनियन लॉस में हम लोग को बुक किया जा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। आप भी जो इतना सब जद्दोजहद कर रहे हैं, काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं, आपको क्या डर नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से डरने की बात क्या है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो अब डरने की बात है। जैसे कि कोई हम कानून है, जैसे सर्कुलर्स हैं, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, मैं कानून में जो है जो सर्कुलर्स हैं गवर्नमेंट के जो रूल्स कॉपी हैं तो उसको ही, उसके ही रेफरेंस से मैं जो है लीगली फाइट कर रहा हूं, उसके खिलाफ जाके मैं कर नहीं रहा, तो मुझे डरने की बात नहीं है। मेरा कानून, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है कि जो भी अगर कुछ गलत होता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई भी इंसान हो, अगर कानून के खिलाफ जाके कोई करता है तो मैं, हम लोग को हर सिटीज़न ऑफ इंडिया को उसको हक है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आपके पेरेंट्स का कितना कोऑपरेशन है, आप इतना सब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए से? देखिए, मेरे पेरेंट्स हो या मेरी वाइफ हो या मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं स्पेशली जो मेरी बैकबोन है, तो इनका इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है कि अभी मैं अभी फिलवक्त अनएम्प्लॉयड हूँ, फिर भी मुझे ये लोग कभी कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा सपोर्ट करते हैं कि हक का साथ देता है तो आगे बढ़ो, काम करो, तो इनके ही सपोर्ट से मैं या हमारा ग्रुप है जो है हम काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा ये फैमिली सपोर्ट या फ्रेंड सपोर्ट या ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद नहीं करना चाहेंगे। तो मैं वही दिल से मतलब शुक्र अदा करना चाहूँगा, वहाँ पर सामने तो हम लोग नहीं कर सकते यूजुअली, तो आपके चैनल से मैं सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी वाइफ हो या मेरे फ्रेंड्स हो, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं कंट्री के लिए, हमारे कुछ जो अपने सिटीजन्स के लिए। थैंक यू।
तो ये थे रियाज खतीब साहब। मैं भी हमारे चैनल की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर होकर लाखों रुपए कमा सकते थे अदर कंट्री जाकर, मगर आप इतना वक्त दे रहे हैं तबरेज़ अंसारी जैसे और कुछ अलग केसेस में, जिनकी फैमिली को मालूम भी नहीं कि रियाज खतीब साहब उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं, और हॉस्पिटल के इशू पर भी आप काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी आपको काफ़ी सारा शुक्रिया है, और मैं रियाज खतीब साहब की फैमिली का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही उन्हें सपोर्ट करते रहें। और कुछ लोग अगर जुड़ना भी चाहते हैं और रियाज खतीब साहब से इस हक़ की लड़ाई में, तो आप उनसे मिलकर रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे चैनल की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन एजेस, और देखते रहिए, शेयर करते रहिए।